थोड़े दिन पहला कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों बयान आया सीगा कि मैं दोबारा चोन लड़ांगा, तो हुण जिहड़े जाखड़ दे वल्लों भी कल बयान दे दिता गया कि असीं चाहुंदे हां कि कैप्टन की अगवाई दे विच 2022 दीआं चोणां लड़ियां जाण ते कैप्टन मुख्यमंत्री बनन दोबारा। हालांकि उन्होंने कहा कि ये आखिरी फैसला सोनिया गांधी ने लेना, पर कितें ना कितें ये नहीं लग रहा कि इन चर्चावां ते रोक लगाई जा रही है अजिहे बयान दे के, जिहड़ियां चर्चावां ये ने कि नवजोत सिंह सिद्धू आने वाले समय के कांग्रेस के वालों मुख्यमंत्री बन सकते हैं। देखो सिद्धू किस गल की वेट कर रहे हैं, शायद आप सीधे तौर पर गल करिए कि सिद्धू जे चुप करके बैठा है तो वह सिर्फ ए कि लोगों की चुप करके बैठा है फिलहाल एक अंदरों तो जी उन्होंने राजनीति जे रा जे सियासी खेड खेडनी है तो इदा बैठने का तो मतलब नहीं होंगे सिकंदर, वो ऐ अंदर खाते कोई चुप करके नहीं बैठे है, उन्हें अपनी जी राजनीति वो खेड रहे हैं अंदर अंदरों गति, या उन्होंने हाईकमांड ने किया कि चुप करो फिलहाल, हो सकता कोई वड्डी जिम्मेवारी छौंप के पंजाब भेज दें नवजोत सिंह सिद्धू को, तो वो कारण यह भी हैगा जे जिहड़ा खेमा कैप्टन अमरिंदर सिंह का अपना खेमा आ उत्थों ये बयान आने शुरू भी हो रहे हैं, जिवें जाखड़ उन्होंने बयान दिता ही आ, तो जिहड़ा ईवन के जे बाजवा की गल हुई सी तां ब्रह्मिंद्रा ने तुरंत उस गल नूं कंडैम करिया सीगा कि बाजवा ने खुली चिट्ठी क्यों लिखी है, सीएम साहब दे ऑफिस चिट्ठी होनी चाहिए सी, मीडिया च क्यों आई आ, जे गन्ने की गल करते सी गन्ने दे काश्तकारां दी गल कीती है किसानां दी गल कीती है तां सीएम नाल सीधा संपर्क करदे, तां जिहड़ा कैप्टन अमरिंदर सिंह दा खेमा आ उह इस गल दी है कह लो कि पहरेदारी कर रहा है कि किते कोई होर बंदे नूं सीएम गर्दान के जिहड़ा हाईकमांड है वह साडे सिर ते ना मढ़ दवे, क्योंकि सीनियोरिटी वाइज भी यही बंदे आउंदे ने, जे ये गल करनगे अपने बंदे दी तां इहनां दे बंदे दी फिर इहनां दी भी गल कोई कर सकदा है, ते जे सिद्धू वर्गे दा नाम आ जांदा तां इह कह लो कि इन्हों चो कोई भी बंदा शायद ही चाहे कि सिद्धू जिहड़ा हैगा वह इन्हां नूं सीनियर आगूआं नूं पिछे छड्ड के अगे आ जाए, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह दे खेमा ये गल उहदा करना सुभाविक है, यानी साफ है कि ये चर्चावां नूं रोकण दे लई अजिहे बयान आ रहे, बिल्कुल साफ ही है जी। टी5 चैनल पंजाबी हुणे सबसक्राइब करो, बैल आइकन ते क्लिक करो।